जॉइन फिल्म्स ने हाल ही में सीरीज शुरू की है जिसको आपने बहुत पसंद किया है, वो है ऑडिशन रिव्यू, जिसमें मैं आपके ऑडिशंस को रिव्यू करता हूं और बताता हूं कि उसमें कौन से आप बातों का ध्यान रखें ताकि आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो सकें। तो आज के फिल्मी फंडे में एक और ऑडिशन रिव्यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। ऑडिशन रिव्यू, इस सीरीज को आपने सबने बहुत पसंद किया, आपको अच्छा लगा कि आप घर पर रहते हुए बहुत कुछ जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। मुझे इस बात से खुशी हुई, इसलिए एक और वीडियो में लेकर आया हूँ। शो योर टैलेंट वीडियो जरूर देखिएगा, मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आप अपने ऑडिशंस हमारे तक भेज सकते हैं, अगर वो अच्छे लगेंगे तो हम उनको प्रीव्यू करने के बाद पब्लिश कर देंगे टैलेंट बैंक में, और हो सकेगा तो हम उसको रिव्यू भी करेंगे ताकि आप भी सीख पाएं और आपके साथ साथ बाकी जो हमारी जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी है वो भी बहुत अच्छे से सीख पाए। यहाँ मैं जिनके भी वीडियो ले रहा हूँ, मैं उनसे एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा। मेरा उद्देश्य, जॉइन फिल्म का उद्देश्य बहुत साफ और सरल है कि हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से लाइफ में आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी रिव्यू कर रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए और अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये है राजन धाइरा, इनका वीडियो है, अभी ब्लैंक फ्रेम है, उन्होंने एंट्री ली है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्या जिंदगी होगी है यार, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे घर आओ, बस सिर्फ ऑफिस टू। जब इन्होंने फ्रेम में एंट्री ली, वो बहुत अच्छा तरीका है किसी भी मोनोलॉग के लिए, क्योंकि उससे ना अट्रैक्शन आता है। लेकिन इन्होंने जो शुरुआत की उसमें एक छोटी सी बात है जिसका अगर ये ध्यान रखते तो ये और अच्छा एक ना स्टार्ट हो सकता था। उन्होंने शुरू की दोनों लाइन नीचे देखते हुए बोली है, एक बार फिर से देखिए। कैमरा एक्टिंग में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि नीचे देखें जरूर, लेकिन बाद में फिर से आपको ना जो लुक और जो प्रोजेक्शन मेंटेन करना है या आई लेवल पे जो लुक रखना है, कैमरा एक्टिंग के लिए टेक्निक बहुत ज़रूरी होती है, और ये सब कैमरा एक्टिंग कोर्स जो हम लोग का है उसमें बहुत बारीकी से सिखाते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है। नहीं तो क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन नीचे जा रहे हैं, ऑडियंस को कुछ दिखेगा ही नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर को कुछ दिखेगा ही नहीं। एक बार देखिए गौर से, क्या जिंदगी होगी यार, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे घर आओ, बस ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस। नॉर्मली किसी को भी लगेगा कि उन्होंने लाइनें बिल्कुल सही बोली हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिक्शन प्रॉब्लम है। कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बारीकी से देखते हैं। जैसे मुझे एक बार में समझ में आ गया, उन्होंने बोला ऑफिस से घर, घर नहीं घर, घर, ये क्लियर वर्ड एकदम सुनाई देना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो हमको समझ में आता कि आपका जो डिक्शन प्रॉब्लम है वो है, आप हिंदी साफ नहीं बोल पाते। तो एक तरह से हो सकता है राजन को लगे कहीं पर भी ऑडिशन भेजते टाइम कि यार मैंने बिल्कुल अच्छा एक्ट किया था, बहुत प्रॉपर एक्ट किया था, लेकिन ये ज़रा सी गलती भी वहाँ से उनको रिजेक्ट करा सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हिंदी का प्रिपरेशन अच्छा कीजिए। मैं मुंबई आया था एक्टर बनने के लिए, मेरा सपना तो बस मैं पूरा करके रहूंगा, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुंबई में स्ट्रगल करना इज नॉट इजी। मुंबई में स्ट्रगल करना इज नॉट ए इजी, अगेन फंबल है, ओवरलैपिंग है। तो आप अगर डायलॉग को सही ब्रीथ पे पॉज लेंगे तो इस तरह के फंबल्स नहीं आएंगे, आपका जो वॉइस है एकदम क्लियर पहुंचेगा, आपके वर्ड्स एकदम क्लियर पहुंचेंगे। देखिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर इस तरह का हम फंबल कर दें, कोई गलती कर दें या डिक्शन प्रॉब्लम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों को हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी बात। तो वहाँ पर आप एक एक्टर नहीं हो, खासतौर से एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं हो, आप एक आम इंसान हो। वो अगर ये गलती करेगा, ये कर रहा है, तो उसको गलती माना ही नहीं जाएगा, ये गलती है ही नहीं लाइफ में। लेकिन जब आप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो सकता है। यार रूम लेना, रेंट पे देना, रेंट देना बहुत मुसीबत है, बट क्या करूं, मैं जो सपना पूरा करने आया हूं मुंबई में करके रहूंगा। मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं है, बट क्या करूं, मजबूरी है। बहुत ज्यादा होल्ड हो गया इनका, इतना होल्ड नहीं होना चाहिए। बट मैं दोनों चीज करूंगा, जॉब भी करूंगा, अपना स्ट्रगल भी करूंगा, और मुंबई में जॉब नहीं, जॉब होता है। शायद इनको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये जब नॉर्मल जिंदगी में इस तरह की भाषा बोलते होंगे तो कोई टोकता नहीं होगा, लेकिन जब इनकी कास्टिंग होगी तो इस तरह की बातों पे ध्यान बहुत दिया जाएगा। तो मेरा राजन को यही सजेशन होगा कि प्लीज़ थोड़ी सी हिंदी ठीक कर लो ताकि आप बहुत अच्छे से एक्ट कर पाओ, क्योंकि आप कैमरा फेस कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है। मुंबई
अगेन घर वाले, घर वालों को बता दो कि मैं क्या करने आया था और मैंने अपने दम पे जो भी किया है अपने दम पे किया है, और ये जितना फ्रस्ट्रेट है मैं निकाल दूंगा और करके दिखाऊंगा मुंबई में, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा मुंबई में मैं क्या हूं, पूरी दुनिया जाने की राजा दीजा कौन है, राजा दीजा कौन है, इतनी मेहनत करी उसने जॉब के साथ स्ट्रगल भी किया। राजन धीरा कौन है, इतनी मेहनत, इतनी नहीं होता है, इतनी मेहनत की। देखिए जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं ना, मैं जानता हूँ मुंबई में बहुत सारे लोग अच्छे एक्टर भी यहाँ पर आते हैं, ऑडिशन देते हैं और उनको हमेशा ये लगता है कि यार मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर बाद में सोचते हैं कि शायद पैसे चलते हैं, कोई फेवर चलता है, कोई ना कोई सिफारिश चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं ना, ये हमारी नज़र के सामने नहीं आ पाती, और वो इसलिए नहीं आ पाती हमारे सामने कोई मेंटर नहीं है, कोई जानकार नहीं जो बता सके। हम जब यहाँ पर कैमरा एक्टिंग कोर्स करते हैं तो एक एक छोटी छोटी चीज़ को यहीं पर ठीक कर देते हैं ताकि इस तरह की जो गलतफहमी है खुद को लेकर वो ना बना पाए। मुझे लगता है राजन धीरा को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके बाद वो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। वो कहा था वो कहां पहुंच गया और मैं करके रहूंगा, ये मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है ना ये इसी वजह से है, क्या करूं मैं मजबूरी में ही काम करना पड़ रहा है मुझे जॉब, क्योंकि घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुंबई क्या करेगा, बट मेरा सपना था कि मुंबई में आना, मुझे एक्टर बनना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूं, कुछ भी करूं। यहां पर उनका लुक दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, ये देखिए अभी होगा, उन्होंने सामना कर दिया था कि मुंबई क्या करेगा, बट मेरा सपना था कि मुंबई में आना, मुझे एक्टर बनना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूं, कुछ भी करूं। जस्ट यहां पे उनका लुक शिफ्ट हुआ, अभी जो ज़रा सी बात है ये कई बार एक्ट करते टाइम समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम लोग किसी को कास्ट करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनको शायद कैमरा टेक्निक के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, ये लुक उतना मेंटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा देख रहे हैं, फिर अभी लुक भी शिफ्ट हुआ। तो एक कैमरा एक्टिंग में कैमरा टेक्निक सीखना, समझना, जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर चाहे शूटिंग वेब सीरीज़ की हो रही हो, सीरियल की हो रही हो, फिल्मों का काम बहुत फास्ट हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक्सपर्ट लोग ही उनके पास आएँ, क्योंकि एक्सपर्ट तभी तो प्रोफेशनल बनेंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो प्रोफेशनली आपको कोई हायर क्यों करेगा। फिर से नीचे ज्यादा एक्सप्रेशन है, नॉर्मली मैं मानता हूं कि फ्रस्ट्रेशन में हम लोग इस तरह की करते हैं, लेकिन जब कैमरा एक्टिंग की बात आती है तो फिर आपने ऐसे किया और फिर ये लुक ऊपर आना चाहिए। मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मतलब जो लुक है वो आई लेवल पे ही इधर उधर जाना चाहिए, तभी ऑडियंस आपके एक्सप्रेशन को देख पाएगी, नहीं तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ सर दिख रहा है, जैसा कई बार राजन के केस में हुआ है। दूसरा एक चीज़ जो सीखने वाली इस वीडियो में है वो ये कि जो डायलॉग है, जो मोनोलॉग है, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, उसमें रिपीटेशन बहुत है। मैं मुंबई में कुछ करके दिखाऊंगा, मुंबई में कुछ करके दिखाऊंगा, घर वालों को कुछ बन के दिखाऊंगा, ये जो रिपीटेशन है ना, ये कनेक्शन आपका तोड़ देगी आपकी ऑडियंस से, भले वो कास्टिंग डायरेक्टर हो या देखने वाली ऑडियंस हो, कोई भी हो। तो आपको जो मोनोलॉग प्रिपेयर करना चाहिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। हम लोग खुद मोनोलॉग शेयर करते हैं, कम्युनिटी पेज पे करते हैं, जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के फेसबुक पेज पे करते हैं, आप वहां से मोनोलॉग ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प ले रही है, तो प्लीज़ वहां से मोनोलॉग लें ताकि अच्छा मोनोलॉग प्रिपेयर करके जाएंगे तो वो इंटरेस्टिंग भी होगा, एंटरटेनिंग भी होगा, एंगेजिंग भी होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राजन के लिए मेरा यही कहना है कि इनको थोड़ा सा अपने डिक्शन पे काम करना चाहिए, एक्शन पे काम करना चाहिए, और डायलॉग में मॉड्यूलेशन होना चाहिए। जिस तरह से मोनोलॉग में लाइंस का रिपीटेशन है, बार बार सेम शब्द आ रहे हैं, सेम लाइन आ रही है, उसी तरह से एक ही इमोशन, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन जो गुस्से वाला है, उसी टोन में डायलॉग बोला गया है। अगेन एक्टर को लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा एक्ट किया, और लगना भी चाहिए क्योंकि मेन उनका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिख रहा है, लेकिन बीइंग ए कास्टिंग डायरेक्टर या बीइंग ए फिल्म मेकर मैं चाहूंगा कि आपके अंदर वेरिएशन हो, क्योंकि हर लाइन में बात अलग अलग है, कहीं पेन है, कहीं पे एकदम बेबसी है, कहीं पर नाराज़गी है, कहीं पर गुस्सा है, कहीं पर घर वालों को लेकर हताशा है, तो जो सब टेक्स्ट है या सब इमोशन या सब कॉन्टेक्स्ट है उसको भी समझ के एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो वेरिएशन दिखता है। अभी इस डायलॉग में एक जैसी ही लाइन बार बार जा रही है, गुस्से में बोला जा रहा है, तो अगर इन बातों पर ध्यान दें राजन
और आप इन बातों को समझ कर सीख कर आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमने देखा राजन जी का वीडियो, उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की, मैं कहूँगा कोशिश बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी बातों की जानकारी नहीं होती इसलिए ऐसी गलती हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर यहाँ पर स्ट्रगल के नाम पर रह रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि अगर ज़रा ज़रा सी चीज़ वो सुधार लें तो उनकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आ सकती है। इसलिए ये पूरा जॉइनफिल्म्स मिशन चल रहा है ताकि आप लोग जान सकें, समझ सकें और अपने करियर में आगे जा सकें। अगला वीडियो है रुपेश कुमार यादव जी का, इनका वीडियो मैं थोड़ा सा पहले प्ले करता हूँ, आप देख लीजिए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ भुला दिया और तू कह रहा है झूठा हूँ, ये जो तुम्हारे सर पे प्यार का भूत। देखिए रुपेश जी ने जो वीडियो भेजा है उससे साफ अंदाजा हो जाता है कि इनको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अभी बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। आप लोग कभी भी इस तरह का बैकड्रॉप क्रोमा पे यूज करके बिल्कुल मत भेजिए। मैं मानता हूँ कई एप्लीकेशन आ गई जिसमें बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं टेक्निक वहाँ यूज़ की जाए जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। मैंने ऑडिशन पर बहुत सारे वीडियो बनाए, मैं एक एक का थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ उनको देखिएगा। हमेशा समझिए बैकड्रॉप एकदम फ्लैट होना चाहिए, इस तरह से ताजमहल पीछे रख के और डायलॉग आप कुछ बोल रहे हैं और यहाँ पर कैमरा भी बार बार मूव कर रहा है, हिल रहा है या फिर बैकग्राउंड हिल रहा है, उससे पूरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इस तरह के वीडियो प्लीज़ मत भेजिए, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए जाएंगे, तो प्लीज़ आपकी मेहनत भी ख़राब होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। ये जो सीरीज़ है हमने शुरू इसलिए की है क्योंकि ऑडिशन में कोई भी रिजेक्ट क्यों होता है ये उसको पता कभी नहीं चल पाता, कोई नहीं बताता। हम चाहते हैं कि आपको पता चल जाए ताकि वो गलतियाँ आप रिपीट ना करें। एक और वीडियो में देखता हूँ। हेलो, माय नेम इज साजिद कुरैशी, माय कॉन्टेक्ट नंबर इज। ये साजिद जी का वीडियो है, इसमें इन्होंने आउटडोर में शूट किया हुआ है, आप देखें तो एम्बियंस साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक बार प्ले करता हूँ मैं। मतलब आसपास की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, उनकी खुद की आवाज़ नहीं आ रही, तो ऐसा वीडियो कभी भी भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऊपर सर के ऊपर बहुत जगह खाली है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता था, वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, थोड़ा सा ही जगह वहाँ पर खाली होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उनके शोल्डर ही आ रहे हैं, बहुत क्लोज शॉट है, इतने क्लोज शॉट में आपके बॉडी मूवमेंट कोई नहीं देख पाएगा, प्लीज़ इस तरह के वीडियो ना सेंड करें। पापा जाने दो ना यार, शिवम प्रजापति बुला के ही मानते हो, आंसू निकल गए इस बार, मुंबई जाने में क्या है, नहीं रहता कोई तो मत रहने दो ना यार, जिसको नहीं रहना है वो ना रहे। अगेन ये टिकटॉक का वीडियो है, शिवम आप या मैं आप सभी लोगों से ही कहूँगा, मैंने एक टिकटॉक पर वीडियो भी बनाया उसको देखिएगा, मैंने कहा टिकटॉक पर आप अपने ओरिजिनल डायलॉग बोलकर छोड़िए, आप उससे प्रैक्टिस का फ़ायदा लीजिए, लेकिन इस तरह का मोनोलॉग आप कहीं नहीं भेज सकते क्योंकि उससे आपकी एक्टिंग का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर शिवम बहुत ज़्यादा आंसू निकले, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, पता नहीं कैसे निकाले, लेकिन जो डायलॉग है उसके एक्सप्रेशन और इमोशन इनके फेस पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, वो फेस जो है बिल्कुल फ्लैट है, जो लाइनें बोल रहे हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं। अगेन हमेशा लैंडस्केप मोड में भेजने की कोशिश करें ताकि फुल स्क्रीन पे दिखेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, तो प्लीज़ टिकटॉक के वीडियो ना भेजें। और सिर्फ आंसू निकल गए इसका मतलब आप दुखी हैं ऐसा नहीं लगेगा, जैसे कि शिवम के केस में आप थोड़ा सा देख लें। पर मुझे तो जाने दो, मेरे भी कोई करियर है, मुझे भी बनना है आगे, मुझे भी औरों की तरह आगे जाना है, मुझे भी बनना है आगे, बढ़ना है आगे, ये जो ओवरलैपिंग हो जाती है, गलत वर्ड हो जाती है, इससे पूरा सेंस चेंज हो जाता है। तो शिवम आप भी ध्यान रखें और बाकी लोगों से भी कहूँगा प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपका अगर सपना है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना साथ दें, खुद का साथ दें, ईमानदारी से साथ दें, अपनी तैयारी ईमानदारी से करें, तभी मुंबई में आपको जगह अच्छे से मिल पाएगी। मुंबई शहर बहुत अच्छा है, अच्छे लोगों को, बेस्ट लोगों को ज़रूर चांस मिलता है एक ना एक दिन, अगर वो लगन के साथ निरंतर लगे रहें तो। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, इन वीडियो में आपका जो फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो इसी तरह से आप चाहते हैं मोनोलॉग पर सीरीज पर कि मैं फीडबैक दूं, तो मुझे बताने के लिए आपको 1000 लाइक का टारगेट पूरा करना पड़ेगा ताकि मैं जान जाऊं कि हाँ आपको इस तरह के वीडियो देख रहे हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।